चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल की लेवल एनालिसिस करेंगे और कल का भी स्टडी करेंगे। कल जो लेवल था उसके बेसिस पे किस तरीके से कल का बॉटम बना है और कहां तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म पोजिशनल एनालिसिस भी करेंगे। क्रूड जो गिरावट हो रही है उसका बॉटम कहाँ तक बन सकता है। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं, और अगर आप ट्रेड करते हैं उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आगे हम देखेंगे क्रूड की जो कल की क्लोजिंग फिफ्थ दिसंबर की जो क्लोजिंग थी उसके बेसिस पे जो कल का लेवल निकल करके आई थी क्रूड का। उसके बेसिस पे क्रूड को सेल करना था 3730 के नीचे, 180 डिग्री पे लेके जाएंगे इसको तो 3708 के नीचे सेल करना था। टारगेट था 3663 और 3617। तो मैक्सिमम जो गिरावट होनी थी 3607 तक गिरना था, लेकिन इसने 3663 से जा कर के 3617 कल का जो लो बना है उसकी भी स्टडी कर ले, उसको भी वॉच कर लेते हैं। कल का लो कहाँ पे बना है, कल की लो है 3627 का। अब हम देखते हैं कि कल के क्लोजिंग के बेसिस पे आज का जो लेवल निकल कर के आया है 3627 के नीचे सेल करना है। कल का जो लो है उसके नीचे जाए तो सेल करना है। टारगेट होगा, पहला टारगेट जो होगा 3607, और यहाँ से हो सकता है बाउंस करे तो दोबारा से हाई के बेसिस पर सेल कर सकते हैं जो क्रूड को नीचे और लेके जा सकता है। अगर किसी का इसका जो स्टॉप लॉस होगा 3647 और 3667, पोजिशनल स्टॉप लॉस 3667 होगा, और इसे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और 3647 के आसपास जाए तो इंट्राडे जो पोजीशन बनाया है उसको शॉर्ट कवर करके अब दोबारा से यहाँ सेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रूड का जो एक्चुअली डेली बेसिस पे वीडियो बनाना कमोडिटी में मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं एक या दो दिन पे वीडियो डेवलप करता हूँ, क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं कमोडिटी मार्केट के बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए अगर आप व्यूअर इंक्रीज कराते हैं उस केस में देखते हैं, कोशिश करूँगा मैं डेली बेसिस पे लेवल एनालिसिस कराऊँ। लेकिन पोजिशनल एनालिसिस के बेस पे जो क्रूड का जो टारगेट है उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे गैन टाइम साइकिल के बेसिस पे। तो क्रूड का जो हमने अपसाइड निकाला था, अपसाइड जो निकाला था उसका टारगेट था, उसका टारगेट ऑलमोस्ट 3779 था, और वहीं 3800 का हाई बना करके ये फॉल कर रहा है। ये पुराना हमारा टारगेट है 6 दिसंबर तक इसको अचीव होना था, उससे पहले ही इसने 1 दिसंबर को ही अचीव किया जो बॉटम बना है 29th को, दो तीन दिन में इसने टारगेट अचीव किया 3800 का। तो हम 78% तेजी लेके चल रहे थे, इसका 78% 3780 का होता है, और इंट्राडे में इसने 3802 का हाई बना करके इसी के आसपास क्लोजिंग लिया। तो अब हम देखते हैं कि जो अभी डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है 3800 से, तो इसका इसका जो डेट है 13 दिसंबर तक इसका जो मैक्सिमम 100% जो रिट्रेसमेंट था 3660 इसके लेवल को कल तोड़ चुका है। तो 3627 इसने कल लो बनाया, ये 123% रिट्रेसमेंट था, और एज फॉर एंगल 270 डिग्री का लो बना चुका है। तो अब कम से कम 315 डिग्री का टारगेट जो खुल के आ रहा है 3590 वहाँ तक, और 360 डिग्री का टारगेट जो है 3559 जो हमारा 3575
और जो 360 डिग्री का टारगेट है 3560, 3560 तक 13 दिसंबर मैक्सिमम जो टारगेटेड डेट है 13 दिसंबर है, उससे पहले भी बॉटम बनने के चांसेज है। तो इसका मैक्सिमम बॉटम है 3595 और 3575 के बीच में बॉटम बन सकता है, मतलब मीन्स 3592 3575 या 60 60, 3560 के लेवल तक बॉटम बनने की तैयारी रहेगी। और वर्स्ट के सिनेरियो में 450 डिग्री भी जाने की चांसेज होगा, जिसका टारगेट है 3500 रुपये। तो पैनिक बॉटम इंट्राडे में हो सकता है 3500 रुपये तक बॉटम बन जाए। यहाँ से हम बाइंग ऑपर बेस्ट बाइंग लेवल जो होगा 3500 के लेवल पे होगा, और 50% क्वांटिटी आप यहाँ शॉर्ट कवर कर सकते हैं 3590 तक, और 3590 और 3560 तक शॉर्ट कवर कर सकते हैं, और बॉटम बनते ही 3490 99, मतलब मीन्स 3500 तक बॉटम बने तो वहाँ पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे पोजिशनल एनालिसिस बॉटम बनते ही। तो ये रहा हमारा आज का क्रूड का पोजिशनल और इंट्राडे लेवल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की, अगर कमोडिटी पोजिशनल एनालिसिस की कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।